रायसेन जिले के मंडीदीप नगर पालिका अंतर्गत स्टेशन रोड वार्ड नंबर 23 में रोड ठेकेदार की चल रही मनमानी, क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। स्टेशन रोड मंडी रोड का कार्य पिछले 6 माह से चल रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला रोड बदहाल हुआ, जगह जगह पड़ी दरारें। अभी रोड पूरी तरह से बना भी नहीं और रोड में जगह जगह दरारें पड़ने लगी हैं। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि रोड के दोनों तरफ काली चिकनी मिट्टी डाल दी गई है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। राहगीरों को जान जोखिम में डालकर आना पड़ता है। हमेशा रोड पर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। कई परिवारजन इस बेपरवाही के कारण हादसे का शिकार हो चुके हैं। नगरपालिका नहीं दे रही इस ओर ध्यान। वहीं कह रही है बड़े बड़े सरायनुमा रोड हैं, वह कहीं भी नगरपालिका नहीं दे रही कोई ध्यान। वहीं हर कहीं बड़े बड़े सरायनुमा रोड हैं, कहीं भी सावधानी पूर्वक चलने का संकेत नहीं लगा हुआ है। दमोह रोड मोहन नगर से लेकर ब्रिज तक इस रोड को बनने कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार ठेकेदार व पार्षद को बोला गया है, लेकिन 2 माह से रोड का कार्य बंद पड़ा है। हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। अरे हम लोग की बसेस इतनी लेट होती है और इतना ट्रैफिक लगता है और बच्चों की जान को इतना खतरा है, आपको क्या बताएं। अब छोटे छोटे बच्चे आते हो, गलती से विंडो से हाथ बाहर निकाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और अभी दो मेरे मतलब यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनका एक्सीडेंट भी हो रहा है। अभी मंदिर के आगे थोड़े दिन पहले एक 11th क्लास के भैया का एक्सीडेंट हुआ था। क्या चाहती है आप, क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर आ ही नहीं रहा, चल क्या रहा है, मतलब ऐसे बस बैठे हैं वो लोग। ये सोच रहे कि मतलब हम पागल है क्या, ये कीचड़ मचा पड़ा है। वहाँ शीतल सिटी के आगे मंदिर के आगे कीचड़ पड़ा है। यहाँ ये देखो बूढ़े आदमी लोग कैसे जाएंगे, बताइए कितनी गलत बात है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? पार्षद जी गलत कर रहे हैं। वो पिछले 6 महीनों से ये काम चल रहा है और कोई भी इसमें कहीं भी रोड छोड़ दिया गया, कहीं बना गया, छोटे बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, कोई रेलवे स्टेशन गाड़ियाँ छूट रही हैं किसी की, मतलब कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये क्या व्यवस्थाएँ दुरुप, मतलब एक मूलभूत सुविधाओं में आता है रोड और उसको इनने जर्जर करके पटक दिया जगह जगह से। इसको लेकर किसी को कोई शिकायत की आपने? सब पूरा नगर को इसमें परेशानी है। हर आदमी को जो देने को जीवन अपना यापन करते हैं रोड के द्वारा, कोई ठेले वाला परेशान है, कोई गाड़ी वाला, कोई गिर रहा है, आम आदमी तो बुरी तरह से प्रभावित है इसमें। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वही जिम्मेदार हैं इसके, उनको बोलना चाहिए। पहली बात तो ये रोड जब प्रारंभ हुआ लगभग 6 महीने हो गए, इसमें बेस के नाम पे कुछ भी नहीं डला, पुराने रोड पे नवनिर्माण हो रहा है। दूसरा, इसकी गुणवत्ता को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और गुणवत्ता में काफ़ी कमी है, जो मापदंड होना चाहिए वो नहीं है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार ठेकेदार को मानते हैं। ठेकेदार ने काम लिया, उसने जिम्मेदारी ली थी, उसको पूरा करना चाहिए था। क्या क्या समस्या आ रही है और इसके अलावा? इस रोड में सब में बड़ी समस्या आज की डेट में पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ के करीबन यहाँ से 6 से 7 गांव का रास्ता ये है। आए दिन की जाम की स्थिति बनी हुई है, बच्चों के बसेस, मिनी बसेस उनके घर तक नहीं पहुँच पा रही हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। परसों के रोज ही एक गाड़ी स्लिप हो गई थी, उस बालक का जबड़ा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था बेचारे का। गाड़ी इतनी स्लिप हुई, पूरी कीचड़ थी। अभी ऐसा लग रहा था, सुबह पानी बारिश हुई, ऐसा लग रहा है ये रोड नहीं था, ये जैसे ग्रामीण में जो खेतों में जाते हैं वो सड़क थी, कीचड़ ही कीचड़। मुखाग्र रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि जी को 2 से 3 बार कंप्लेंट करी, माननीय CMO साहब को भी हमने फ़ोन के माध्यम से 2 बार जानकारी दी कि ये काम रुका पड़ा हुआ है, जाम की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी कीचड़ हो रही है, गुणवत्ता का काम नहीं हुआ, उसकी वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफ़ी हादसे हो चुके हैं। कहाँ से आ रही है रोड का? 1 महीने पहले से काम बंद पड़ा हुआ है। स्कूल की सबसे ज़्यादा जी परेशानी हो रही है, तो स्कूल के बच्चों की हो रही है। सुबह जाते हैं बच्चे गिर जाते हैं, यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है, फिर वापस जाते हैं, कई तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभी टेस्ट चल रहे हैं, शिकायत किसी से, शिकायत ठेकेदार से 2-4 बार बोल चुके हैं, यहाँ के पार्षद से बोल चुके हैं, वो किससे शिकायत करें? शिकायत कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड की पोजिशन देखिए, आप राहें फंसा दिए, 1 फुट की राहें फंसाइए, बगैर राहट के ही बन रहा है रोड।
जो लोहा डलना चाहिए वो डल नहीं रहा, एक एक फुट के राड दिखाने के लिए फंसा दिए हैं। और आज से रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं। मेरे मंदिर के पास में मकान है मेरा, मैं रोज़ दो चार लोग गिरते हैं, रोज़ जख्मी हो रहा है बेचारे, रोज़ जख्मी हो रहा है। ये मंडी का मेन मार्ग है जिससे ये रोड को लेकर बहुत समस्या आ रही है। माता बहनें हर इंसान इस रोड को लेकर परेशान है। इस रोड के अंदर साइड में जो मिट्टी डालना थी ये कच्ची मिट्टी डाल दी है ठेकेदार ने मिलकर, कुछ नेता भी जुड़े हुए हैं इससे। जो ये मिट्टी डली है कच्ची डली है, इससे दुर्घटनाएं होंगी बाद में आने वाले समय में। और ये रोड का सही काम भी नहीं हुआ। ये रोड आप देख सकते हैं पूरे में दरारें पड़ रही हैं इसके अंदर। इस रोड से काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। इसी से आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस रोड की समस्या का हल करवाएं। इसको लेकर आपने किसी को अभी तक कोई शिकायत? नहीं, अभी नहीं की है। अभी माननीय विधायक जी चुनाव में बिजी थे इसलिए हमने शिकायत नहीं की है, लेकिन 3 तारीख के बाद सबसे पहले हम उनसे शिकायत कर काम करवाएंगे। लगभग 1 महीना हो गया है काम बंद हुए इस रोड को लेकर। उससे समस्याएं ये आ रही हैं कि मिट्टी भी पड़ी हुई है, फिर रोड ख़राब है, एक साइड का बना दिया है एक साइड का खाली है, तो उससे जाम लगता है और मिट्टी भी पूरे रोड पर फैली हुई है, तो इससे भी गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, माताएं बहनों को निकलने में परेशानी हो रही है। खबर भारतवर्ष के लिए मंडीदीप मध्य प्रदेश से अंकित कुशवाहा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।